किसकी सरकार देख रहे हैं? मोदी गुंडे ही खत्म है। पहले दिल में करते थे तो हाल गिरफ्त कर लेते, और अब तो बहुत अच्छा काम है, और जाते बातें कोई दिक्कत नहीं है, ये सड़क कराएगा उसी को वोट कर दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं इस समय फिरोजाबाद लोकसभा में हूँ, और फिरोजाबाद लोकसभा में कुछ युवा हैं मेरे साथ हैं, एक गांव है इनका, इस गांव में मैं आया हुआ हूँ चुनावी सर्वे करने के लिए। कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार युवा किसकी सरकार देख रहे हैं 2024 में, किसकी सरकार देख रहे हैं सर? मोदी योगी। हाँ जी, मोदी योगी क्यों सरकार देख रहे हैं आप? वो बढ़िया काम है उनके, काम बढ़िया है, काम बढ़िया। गुंडा ही खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, चोरी खत्म है, डकैती खत्म है, ये सब काम खत्म है। लूट लिए थे, अब ऐसा काम गुंडागर्दी पहले दिन में करते थे तो हाल गिरफ्त कर लेते, और अब तो बहुत अच्छा काम है, अब तो जाते हैं फाते कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा, कुछ मुद्दे भी हैं आपके, कुछ गांव की जो विकास कार्य को लेकर मुद्दे हैं आपके, पेंशन को लेकर या राशन कार्ड नहीं मिल रहा हो या कोई गली खरंजे को लेकर? ये सड़क है। जो ये सड़क कराएगा उसी को वोट देंगे हम, तो जो सड़क कराएगा उसी को वोट देंगे हम। तो ये सड़क किसी ने कराई नहीं? अभी नहीं कराई, किसी ने कराई नहीं। कौन सी वाली सड़क है दिखाएंगे हमको? अच्छा, ये वाली जो मेन रास्ता है, इनको लेकर इनका कहना है कि जो इस सड़क को कराएगा उसी को ये वोट अपना देंगे, क्योंकि जो ये सड़क है वैसे भी दिख रहा है ये गड्ढा हो जाता है, अगर बारिश होती होगी तो कहीं ना कहीं इसमें पानी भर जाता होगा, निकलने में दिक्कत होती होगी, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, रपटने का डर रहता है, गाड़ी पाड़ी निकलने में परेशानी वगैरह परेशानी है। आपके इधर तो ये गाँव के बाहर खेत है, आपके खेत के जाने में दिक्कत होती होगी? बहुत परेशानी होते हैं चौमासे में, काफी परेशानी होते हैं जानवर फार्मरों को लाने के लिए। हाँ, गंदगी आती होगी तो रोग भी बढ़ सकते हैं। हाँ, और का है, क्या चाहते हैं आप, क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी सड़क हो जाए और क्या कहता है नाली बन जाए। सरकार तो बीजेपी की है, आप कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी से ये उम्मीद है कि हमारा विकास करा दे, गाँव का विकास करा दे। विधायक कौन है यहाँ से? सचिन यादव, सपा का। तो उनके पास नहीं गए उन्होंने विकास? गए उन्होंने, नहीं है कुछ नहीं बोला। कितने सालों से ये सड़क कच्ची आपकी? और से ही आजीवन से ही कच्ची है, और से कच्ची है। हाँ जी, और से कच्ची है। मतलब ये सड़क पक्की बनी नहीं? नहीं, मेन रास्ता है क्या आपके गांव का? मेन रास्ता है। अब आप क्या चाहते हैं, विकास हो जाए गांव का? आपके क्षेत्र के नेता क्या संदेश है सड़क को लेकर? उन्होंने तो कोई विकास ही नहीं करा रहे, क्या विकास कराना चाहिए? विकास कराना चाह रहे हैं, रास्ता क्लियर हो जाए, नाली वगैरह क्लियर हो जाए, और विकास गांव में शौचालय वगैरह पेंशन वगैरह मिल पा रही है? वो तो फिलहाल है। सड़क का मामला है, सड़क का मामला सॉल्व नहीं होता है तो वोट नहीं करोगे? नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, सड़क का मामला सॉल्व नहीं, जब तक नहीं करेंगे। ये गांव के युवा हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सड़क का मामला सॉल्व नहीं हो जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इस गांव के आने जाने के लिए ये मेन रास्ता है, और इस रास्ता में जिस रास्ते को आप देख पा रहे हैं ये वो रास्ता है जो गांव के आने का मेन रास्ता है, और इस पर पानी भर जाता है जब यहाँ पर बरसात के मौसम आते हैं। बरसात के दिनों में ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता तो आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात के दिन आते हैं तो ये रास्ता तालाब में तब्दील हो जाता है। सोचिए जब ये तालाब बन जाएगा तो यहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि विद्यालय के लिए जाएंगे वो कहाँ होके जाएंगे? इधर सरकार दावे कर रही है कि हमारी सरकार में कहीं ना कहीं विकास कार्य रफ्तार पकड़ रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, गली खरंजे बन रहे हैं, विधवा पेंशन राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का विकास कुछ पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि बरसात के दिनों में इस रोड की क्या हालत होगी।